तीमारदारों द्वारा डॉक्टर के साथ अभद्रता और मारपीट से आक्रोशित डॉक्टरों ने जारी रखा कार्य बहिष्कार। रविवार की रात को सीएचसी नंदनगर घाट में मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने चिकित्सक के साथ मारपीट की। मंगलवार को मामले में जनपद के जोशीमठ, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, गौचर, नारायणबगड़, थराली आदि जिले भर के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। डॉक्टरों ने मांग की है कि जिन लोगों ने नंदनगर घाट में चिकित्सक रोहित चौहान के साथ मारपीट की और उन लोगों पर जानलेवा हमला किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर बीमार गर्भवती महिलाएं लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। हालांकि डॉक्टरों की ओर से आकस्मिक सुविधाएं जारी रखी जा रही हैं, इसके बावजूद भी डॉक्टरों की हड़ताल के बाद दूर दूर से आने वाले तीमारदार परेशान पड़ गए हैं। नंदनगर के धुनी गांव में पहुंचे नरेश पांडे का कहना है कि वह अपनी पत्नी को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल को पहुंचे, जहां पर डॉक्टर अपने मामले को लेकर हड़ताल पर है, जिसके चलते उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने सुबह से ही ओपीडी बंद रखी, जिसके चलते आने वाले समय में पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में कोई भी डॉक्टर आने से डरेगा। और कहा कि सभी पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने डॉक्टर रोहित चौहान पर जानलेवा हमला किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और जब दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक पूरे जनपद में डॉक्टरों की ओर से कार्य बहिष्कार रहेगा। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। 2023 को लगभग रात के 2:30 बजे के करीब डॉक्टर रोहित चौहान, जो कि सीएससी घाट में तैनात है, इनके साथ कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसमें 6 लोग बताए जा रहे हैं, इनके द्वारा मारपीट की गई और उनके सर पे चोट आई है और जिसमें टांके भी लगे हैं और वर्तमान में उनका इलाज कोरोनेशन में चल रहा है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा चमोली के आह्वान पर समस्त चमोली जिले के चिकित्सक अभी ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा इमरजेंसी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है और चारधाम यात्री जो आ रहे हैं उनको सेवा दी जा रही है। और अगर आज बुधवार तक अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 2 गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी 4 गिरफ्तार नहीं हुए, अगर पूर्ण रूप से 6 के 6 लोग अगर आज तक गिरफ्तार नहीं होते तो कल से हमारे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है कि संपूर्ण प्रदेश में ओपीडी सेवाएँ बाधित की जाएंगी और इमरजेंसी और सेवाएं चलती है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।